डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इमोशनल डिस्ट्रेस इमोशनल डिस्ट्रेस क्या है मेंटल हेल्थ एंड डिस्ट्रेस इज वन ऑफ द टू मेन कंपोनेंट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड एंडनेस मेंटल हेल्थ इज फॉर्म इन एंड बाय सोसाइटी यानी अगर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं इसका सोसाइटी इस पर सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है एटीट्यूड ऑफ पीपल एंड द सोसाइटी इफेक्ट द वेल बींग डिस्ट्रेस अच्छा लोगों के जो एटीट्यूड है और जो एक्सपीरियंसिस हैं वो डिफरेंट होते हैं उन लोगों के साथ जो कि किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं या जो मेंटल इनलेस के साथ अपनी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं जैसे लोगों को पता चलता है कि ही हर शी सफरी फ्राम एनी सार्ट ऑफ मेंटल इल्स आ मेंटल डिसऑर्डर तो लोगों का जो एटीट्यूड है जो सोसाइटी का बिहेवियर है उनसे काफ़ी डिफरेंट चेंज हो जाता है अच्छा अब सोशल इक्वालटी की अगर हम बात करते हैं तो सोशल इक्वलिटी जो है वो आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है यानी मेंटल हेल्थ के अंदर सोशल इक्वलिटी का बहुत ज़्यादा रोल है अगर सोशल इक्वलिटी है वेल्थ इक्वालिटी है हेल्थ इनिटी है जेंडर इनिटी है तो उसकी वजह से आपके मेंटल डिप्रेशन एन्जाइटी ज़्यादा होती है अच्छा अब सोशलॉजी जिससे मैंने आपको बताया जी सोशोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इल्नेस का एक बहुत इंटरेस्ट है इस रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ एंड द सोसाइटी तो उन्होंने इम्पॉर्टेंस हाईलाइट किए हाईलाइट किए इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस मेंटल हेल्थ उन्होंने कहा जी सोशल प्रोसेस इन डिफाइन द कैटेगरीज एंड बाउंड्रीज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर डेट गिव राइज टू मेंटल डिसऑर्डर दे आल्सो हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस प्रोफेशन अदर हु हुप द प्रैक्टिस मीन उन्होंने कहा कि जी जो जो सोशोलॉजी अगर हम बात करें जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस है या जो जो प्रोफेशनस हैं जो इसको शेप कर रहे हैं तो उसके अंदर सोसाइटी एक बिग रोल एक बिग पार्ट प्ले करती है अच्छा फर्दर अगर हम बात करते हैं अबाउट द मैडनेस एंड सिविलाइजेशन व्हाट इज मैड सिविलाइजेशन आज सोसाइट रिकॉग्नाइज सम फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस हर सोसाइटी के अंदर किसी ना किसी टाइप की मेंटल इल्स है अब वो मेंटल इल्स को किस तरह से ले रहे हैं अदर दे आर टेकिंग एज अ डेवीन बिहेवियर या uh, वो पर्सन वाकई मेंटल है डेवीन बिहेवियर ये है कि अगर उसका बिहेवियर डिफरेंट है उस कल्चर से उस सोसाइटी के नाम से तो लोग उसको मेंटल इलनेस में लेते हैं देट समथिंग या yeah, वो पर्सन वाकई देर समलोलिकल फिनमिना पॉट ब्रेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो पर्सन जो है मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है फिर आ, अगर हम बात करते हैं बॉड तो सोशोलॉजी तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उन्होंने हमें टू मिड फॉल्स बताए हैं अबाउट दिस मेंटल हेल्थ एंड द सोसाइटी एक है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म एंड कल्चर डिटर्मिनिज्म बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म तो ये है कि जी आप समवन समटली इल है और किस वजह से है फिरटरी फैक्टर है उसकी जो है आप उसके जो है पेरेंट्स से ऑफरिंग में ट्रांसफ़र हुई मेंटल इलनेस डेट्स वाई बायोलॉजिकल फैनना है वो पर्सन एल है फिर है जी कल्चरल कल्चरल मीन कि उसमें ब्योलॉजी का रोल नहीं है आपकी जो स्ट्राउंडिंग है आपकी जो इन्वायरमेंट है जो आपकी सोसाइटी है उसके अंदर जो थिंग्स हैं जो इनक्वालिटीज प्ले कर रही हैं जो जो सोसाइटी का बिहेवियर है वो आपको मेंटल इल करता है वो आपकी अगर डेविंग बिहेवियर है वो भी सोसाइटी की वजह से तो जो दो पिटफॉल है एक तो बायोलॉजिकल है और एक कल्चरल है मोस्टली जो मेंटल इलनेस की जो काज है वो हम लेते हैं सोसाइट सोशालोजी में इन टर्म ऑफ सोसाइटी की वजह से कि अगर कोई पर्सन है वो डिप्रेशन में है एनजाइटी में है सोशली आइसोलेटेड है तो देर मस्ट भी समथिंग जो उसकी इन्वायरमेंट में आर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और द इंटरनल इन्वामेंट अच्छा अब जो मैंने जिस तरह बताया कि जिस तरह से uh, आप किसी को अगर सोसाइटी में पता चल जाए कि कोई पर्सन जो है अगर वो सफ़र कर फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर तो सोसाइटी का उनकी तरफ से बिहेवियर चेंज हो जाता है किस तरह का बिहेवियर है सोसाइटी कंस्ट्रक्ट एंड स्टिकमेंट वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल एज बीइंग डिफरेंट डेंजरस थ्रेडनिंग एंड क्रिमिनल मीन दे आर रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी सोसाइटी उनको रिजेक्ट करती है कहती फिर जी डेंजरस हैं क्रिमिनल है थ्रेडनिंग है, है यानी अगर उनको लगेगा कि ये पर्सन है बिहेवियर है आर दे आर सफरिंग एनी मेंटल डिसऑर्डर तो सोसाइटी का एक रिजेक्शन की तरफ आ जाती है इन टर्म ऑफ सर्टन थिंग्स ये क्रिमिनल बिहेवियर हो जाएगा डेंजरस होगा ये हमें कोई ना कोई इस तरह का कोई नुकसान ना करें अच्छा फर्दर हम बात करते हैं स्टिग्मा स्टिग्मा क्या है हैट्रीब्यूट दैट इज डीपली डिसक्रेटिंग स्टिग्मा आपके साथ एक टैबो आपके साथ कोई ऐसी चीज़ जो आपको सोसाइटी से आइसोलेट कर रही है या आ, आप सोसाइटी में उस रेस्पेक्टफुली काम नहीं कर रहे स्टिग्मा अगेन अटैच है मेंटल डिसऑर्डर के साथ अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो स्टिग्मा अटैच है अब अगर हम स्टिग्मा की बात करते हैं तो वी हैव मोस्टली थ्री टाइप्स ऑफ स्टिग्मा जो कि गोफ्ट मैंने हमें बताया एक फिजिकल डिफॉर्मिटी है क्रैक्टर डिफॉर्मि है है और सोशल ट्राइबल सोशल है फिजिकल है कि फिजिकल स्टिग्मा क्या अटैच है किसी की फ़िज़िकल अपेरेंस अच्छी नहीं है कोई फेस पे कोई ऐसा प्रॉब्लम है वो फिज़िकली लोगों को फॉलो नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा बीज है बहुत ज़्यादा लीन है कोई ना कोई ऐसी फिजिकल डिफॉर्मिटी है जिसके साथ उसका स्टिग्मा अटैच है फिर आ जाता है जी करैक्टर मीन करैक्टर वाइज इज नॉट गुड पर्सन वो किसी जो है क्राइम में इन्वॉल्व है ड्रग यूज़ uh, में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से वो स्टिगमा उसके साथ अटैच है फिर ट्राइब ट्राइबल या सोशल फिर मिनोरिटी ग्रुप आ जाता है आपका ऐसा ग्रुप जिसकी एथनिक मिनोरिटी रेस जिसकी वो इम्पॉटेंस नहीं होती सोसाइटी के अंदर जो कि बाकी लोगों की होती है वो स्टिग्मा आपके साथ अटैच होता है स्टिग्मा मस्ट बिकॉज अदर फिजिकल डिफॉर्मिटी करेक्टर डिफॉर्मिटी आर द ट्राइबल अद सोशल इशू अच्छा स्टिग्मा मेंटल डिसऑर्डर डिप्रेशन अच्छा अच्छा अब डिप्रेशन की अगर बात करें इन इमोशनल डिस्ट्रेस तो जो इमोशनल डिस्ट्रेस का एंड पॉइंट वो मोस्टली डिप्रेशन होता है डिप्रेशन क्या है जी अब जो ब्राउन एंड हैरिस ने हमें बताया क्लासिक स्टडी ऑन सोशल काज ऑफ डिप्रेशन एक वलेबिलिटी फैक्टर्स है आपका प्रोविकिंग फैक्टर्स है एंड द सेम फॉर्मेशन फैक्टर्स है वलेबिलिटी क्या है आपकी जो है जॉब अनएम्प्लॉयड है आप बच्चे आपके छोटे हैं ठीक है आपको सोसाइटी में उस तरह से आ, जो आपको मिलना चाहिए रिसोर्सेज उस तरह से आपको नहीं मिल रहे हैं आपके ओल्ड पेरेंट्स हैं या आपके पेरेंट्स नहीं हैं वो एक फैक्टर है उसकी वजह से क्या होता है आप प्रवोक होते हैं प्रोवक मीन आपके अंदर सर्टेन जो है वो थिंग्स uh, प्रोक होती हैं बिकॉज ऑफ दिस वेलेंडेटी फैक्टर और उसका अल्टीमेट एंड क्या है इन फॉर्म ऑफ द सिम्टम सिम्टम क्या आते हैं डिप्रेशन के फॉर्म में आते हैं सोशल आइसोलेशन हो गई आपके जो पहले तो फिर मेंटल सिम्टम्स हो गए फिर वो आपके फिजिकली अपेयर होना शुरू हो गए तो दी ज्यादा काजेज ऑफ डिप्रेशन यानी कि काज ऑफ़ डिप्रेशन के साथ आपके पहले कोई फैक्टर्स होते हैं जो आपके प्रोवोक करते हैं एंड एंड रिजल्ट उसका सिम्टम्स के अंदर आता है एंड सोशियलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इल्नेस के अंदर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट द मेंटल डिस्ट्रेस और मैंटल डिस्ट्रेस जो है वो उसका जेंडर डिफरेंस में बहुत ज़्यादा और होता है क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो दैर मोर सेंसटिव और मोर ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस में जाती हैं एज कम्पेयर टू द मेल और इसमें फी क्लास का डिफ्रेंस ज़्यादा आ जाता है अगर आपको रिसोर्स पुअर हैं और आप लोअर क्लास हैं तो आप मोर और ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस में चले जाएँगे अगर आपकी जॉब ठीक नहीं है आपका आसपास का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो वो भी आपको इमोशनल डिस्ट्रेसमेंट डालेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स